İbrahim. मेरे आका, तुम इतना सोचते रहोगे तो गहरे समंदर में कैसे जाएंगे हम? इब्राहिम, इस कश्ती को हौज में तैरेंगे हम क्या? ये तो मामूली कश्ती है शहजादे, मैं आपके लिए बहुत खास कश्ती बनवाऊंगा। चलो मुस्तफा, जाओ अब, हमें कुछ काम करना है। नहीं पापा, काम करूंगा मैं भी। इब्राहिम, मेरे साथ काम कराओ। जो हुक्म शहजादे, चलें चलिए, हम काम करके आते हैं। कारखाने तशरीफ ले जाएंगे आका, निगरा को खबर करूं? थक गया पार करे, आराम करूंगा फिर किसी वक्त से। मुनासिब समझे तो खिदमतगारी के लिए किसी कनीज को भेजाओ मेरे आका। कह दे सुंबुल आका से कि तैयार करा दें गुलनिहाल को। गुलनिहाल खातून, इधर आओ। एक फरमान आया है, तुम आका की खिदमत में होगे आज शब के लिए। हो रहा, मार दीजिए मुझे वो। अकल घास चली गई तुम्हारी, बादशाह की ख्वाहिश को इस तरह टुकरा रही हो तुम। बतौर खास तुम्हें तलब किया है। चलो बस तैयारी करो, मेरे साथ चल रही हो तुम अभी। सुन बुलावा, मुझे डर लग रहा है। कुछ फर्क नहीं तुम में और हुरम में, मगर शहजादे की मां बनते ही वो हुरम सुल्तान हो गई। क्या मालूम तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए और तुम भी देखते ही देखते शायद गुलनिहाल सुल्तान बन जाओ। मैं सुंबुल आगा के साथ जा रही हूँ, तुम शहजादे का ख्याल रखना। गुलनिहाल कहाँ है? फिर गायब हो गई। शाम सुंबुल आगा आए थे, साथ ले गए उसे। कहाँ ले गए सुंबुल आगा? नहीं मालूम, धीमे बात कर रहे थे, सुन नहीं सकी। Thank you.
कौन थी, कौन थी उनकी खिदमत में? कोई भी हो, तुम्हें क्या? सुल्तान है किसी में बदस्ती देने, खुर्रम खातून आप ठीक हैं? आपको कुछ चाहिए तो क्या लाके दूं मैं? ठीक हूँ, जाओ सो जाओ। नींद उड़ गई है मेरी, ऐसे ही घूम रही। तुम आराम करो। सर्द है, ठंड ना लग जाए। नवाजिश में आगा तो तुम थी वो, तुम ही थी ना? सुलेमान की खिदमत में गई, अभी वहीं से आ रही हो तुम? बोलो। हुरम, मैं जवाब दो। क्यों किया मेरे साथ ऐसा, बताओ क्यों? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, क्यों? मेरी पीठ में खंजर घोंपा तुमने, बताओ तुम कैसे कर सकती हो ये मेरे साथ? खुर्रम खातून क्या कर रही है? जाओ, मार दूंगी मैं इसे, जाओ यहाँ से, जाओ। इसके लिए बेवफाई की? हाँ, मेरी दोस्ती का सौदा कर लिया,
ऊपर देखो, ऊपर देखो। सीधी खड़ी हो, सर नीचे झुकाओ, शाबाश। जल्दी आए, हुरम गुलनिहार को पूरी तरह मार रही है। हिलना नहीं यहाँ से। अल्लाह मुझे लानत करे। क्या कर रही हूँ? हुरम खातून छोड़ो, मारूंगी क्या? जान से मार दूंगी इसको, हटाओ। क्या पागल हो गई? हाँ पागल हो गई, जानती हूँ ये साजिश तुम्ही लोगों की है। गुलनिहाल, हुरम तो मार ही देगी तुम्हें। चुप, अपने काम से काम रखो, समझी? ये क्या जहालत दिखाई तुमने? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जवाब तो इधर देखो मेरी तरफ। दिमाग तो लोग खराब कर रहे हैं मेरा। मेरी सबसे करीबी दोस्त को आका के हुजूर भेज दिया गया, साजिश की मेरे साथ। आवाज नीचे रखो, ये किस तरह बात कर रही हो वालदा सुल्तान से? क्या हो जाएगा अगर ऐसे बात करूंगी? फिर जहर दिया जाएगा, जिंदान में डाल दिया जाएगा, सर कलम कर देंगे मेरा। तुम्हारा एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगी इब्राहिम। उसने हंगामा खड़ा कर दिया पागलों की तरह। असल चेहरा सामने आ गया उस बदसात रूसी का। अच्छा बाप, जय मलिका। सुल्तान मौसम आने वाले हैं, यहां ना देख लें आपको। आप बस मुस्तफा पर तवज्जो दें और कुछ ना सोचे आप। हुरम ये सुल्तान सुलेमान का हरम है, और याद रखो तुम गुलनिहाल और यहाँ की सब कनीजें उसी की मिल्कियत हैं। हजारों साल से चला रहा है ये रिवाज, और यूं ही चलता रहेगा हमेशा, याद रखना। इतनी रजील हरकत करे कोई माँ, इसकी इजाजत नहीं दूंगी। दाया, दूर करो मेरे पोते को इस बदलगाम से। जब तक इसका दिमाग ठिकाने ना आ जाए, इसको करीब ना आने देना बच्चे के। नहीं, मत ले जाओ मेरा बेटा, मेरा बेटा। रहम करें वालिदा, रहम करें मुझ पे। वादा करती हूँ जो कहेंगे करूंगी। बच्चे ने मेरा बेटा मुझसे, कोई बेअदबी नहीं होगी, कोई गुस्ताखी नहीं होगी। वादा करती हूँ मैं, रहम करे ना छीने मेरे बेटे को मुझसे। बहुत हो गया हुरम, आइंदा रहम नहीं करूंगी। तुम्हारी सब हरकतें बता दूंगी फरजंद को, वो खुद लगाम डाल देगा तुम्हें।